हम नवाबों के शहर मेरी हिस्ट्री में आओ, हम तुम्हें बताते हैं क्या मस्जिद और क्या मंदिर है। ना मंदिर कोई अलग है ना कोई मस्जिद अलग है, ये सही बोले। सब एक अल्लाह के घर है। अरे आओ हम बताते। अंकल अंकल, ये जो भूल भुलैया का निर्माण किया गया था वो नवाब जी के बचाव के लिए किया गया था ना? नहीं, नवाब साहब के बचाव के लिए। फिर ये नवाब साहब ने बिल्डिंग मुझसे बनाया था जिस टाइम पे यहाँ अकाल पड़ गया था, यहाँ भूख मरी हो गई। हाँ, तो नवाब लोग ने पहले गरीबों की मदद करने की कोशिश की थी, मगर लोग उस टाइम पर लोग इतना दार हुआ करते थे। वो कह रहे हैं नवाब साहब मैं भूखे मारे मर जाऊँगा मगर बिना काम के पैसा लूँगा। बराबर। तो जब नवाब साहब ने ये देखा कि हमें जनता भूखे मारे मर जाएगी बिना काम की लेगी नहीं, तो उन्होंने कहा इनको किस चीज़ दें। तो उन्होंने एक धार्मिक स्थल बनवाया इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम से, जो रसूल के नवासे थे, जो आज से 1400 बरस पहले करबला में शहीद कर दिए गए मोहम्मद साहब के नवासे, मोहम्मद साहब के नवासे थे, जो आज से 1400 बरस पहले करबला में शहीद कर दिए, उनकी नाम की इमाम बाड़े बनवाए धार्मिक प्लेस। अब जब इंजीनियर को भरपूर पैसा मिला तो उसने कहा कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना जो लोग आने वाली याद करें, तो बिल्डिंग को हलो करके बनाया। जब बिल्डिंग को हलो करके बनाया तो इसके अंदर 1024 रास्ते निकले। जब इसके अंदर 1024 रास्ते निकले तो आदमी जब पब्लिक इसके अंदर आने लगे वहीं पर इसका नाम पड़ा भूलभुलैया और हज़ार लोग रुके रुके, क्योंकि हमको यहाँ 3450 रुपये सैलरी मिलती है, जो 4 घंटे हम लोग इमाम बाड़ों में देखभाल करते हैं 4 घंटे रात में, और 3450 रुपये में हम लोग खर्चा चल नहीं सकता है। बराबर। जो आप लोग टिकट लेते हैं एक चेटी फंड में चला जाता है, जिसका यहाँ मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर मुहर्रम की 10 तारीख तक हम लोग को खाना खिलाया रमज़ान का पूरा एक महीना। अब याद है हमको 3450 रुपये दे दिया है तो महीना भर की चाय नहीं मिल पाएगी। बराबर। तो ये हम लोग गैट का समय जो है पार्ट टाइम का समय करते हैं, इसी का आधा पैसा हमको नीचे अदा करना पड़ता है, आधा पैसा हमको मिलता है। तो हम लोग 3-4 आदमी साझे मिल गए। आपने लखनऊ के अंदर कहीं पर सुना होगा लखनऊ के अंदर भूलभुलैया कहीं लिखावट में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये बड़ा माम बड़ा लिखा मिलेगा। और जब बड़ा बड़ा प्रवेश करते हैं तो वहीं से आपकी भूलभुलैया शुरू हो जाती है। आप लोग ने नाम दिया भूलभुलैया का, हम लोग ने अपना रोटी रोटी सिलसिला बना लिया। अब तो आप जो बता रहे थे पहले कि इसको उबारा गया तोड़ा गया उबारा गया तोड़ा गया, 6 महीने तक अकाल चलता रहा, नवाब साहब का मकसद चलता रहा। 6 महीने बाद में जब अकाल खत्म हो गया तो नवाब साहब ने 11 साल बिल्डिंग कम्प्लीट करा। तो जब तक अकाल, तो मतलब जब तक लोगों को रोजगार मिलना था तब तक, जब तक मिला। और जब अकाल खत्म हो गया लोग रोजगार करने लगे, है ना, बहुत बड़ी सोच थी मतलब उस टाइम पे। जी हाँ, तो इस सब सोच ये थी कि जनाब के ऐसी सोच थी कि आने वाली पुस्तक अलग खाती रही। बराबर बराबर। लोग उस टाइम नारा लगाते थे जिसको देगा नहीं अल्लाह मौला भगवान उसको देगा नवाब आसिफ वाला, मगर नवाब साहब कहता था कोई अल्लाह मौला भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक उम्र के इंसान है, जिसको अल्लाह मौला भगवान मिलेगा उसको नवाब आसिफ वाला दे। देखिए अगर आप किसी के साथ अगर कुछ करनी चाहते हैं तो 100 बहाने देने के, बराबर है ना, और एक बहाना है ना देने का, है ना। अगर आप किसी साथ में करना चाहते हैं तो आप किसी सूरत से कर सकते हैं। बराबर। और जब आप अगर ना करना चाहें तो आप किसी सूरत से भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये कि नवाब साहब का मिशन यही था कि हमारा परिवार भूखा न मरे। हजारों जो नखलों की गंगा जमनी तहजीब मशहूर है वो इन्हीं लोगों की दास्त है, इन्हीं ने यहाँ मंदिर लोग आज हज़ार लोग मंदिर के लिए मर रहे हैं मस्जिद के लिए मर रहे हैं। अरे हम कहते हैं आप नखलों के अंदर आके आओ, हम नवाबों के शहर मेरी हिस्ट्री में आओ, हम तुम्हें बताते हैं क्या मस्जिद और क्या मंदिर है। ना मंदिर कोई अलग है ना कोई मस्जिद अलग है, ये सही बोले। सब एक अल्लाह के घर है। अरे आओ हम बताते हैं, तुम एक मस्जिद को कह रहे हो, तुम एक मस्जिद को कह रहे हो, हमने यहाँ कितने मंदिर बनवाए हैं, हमने कितनी मस्जिदें बनवाई हैं, आके हम शियों से पूछो कितने लोगों के यहाँ हैं, यहाँ कोई मुसलमान का झगड़ा नहीं है, तुम लोग एक मस्जिद पर लड़, अरे वो भी एक भगवान का घर है, ये तो एक इधर करो ये उधर, ये तो अपनी सियासती पार्टी जो है अपने लोगों को बड़बड़ने के लिए।